नमस्कार दोस्तों मैं मीनाक्षी अपनी आज के इस वीडियो में लेके आई हूँ ये जैकेट एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए यह इसके अगले हिस्से हैं दोनों और ये है इसका पीछे का हिस्सा ये जो जैकेट है इस जैकेट को हम एक तरफ से शुरू करते हुए दूसरे तरफ तक लेके जाते हैं और एक ही बार में जो है इस जैकेट की पूरी बुनाई होती है इसकी साइडें जो है उनको सिला नहीं जाता वो एक तरफ से शुरू करते हुए जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती कंधों से हमने इसको सिला है हमारे जो ये कंधे का हिस्सा है दोनों तरफ का यहाँ से हमने इसको सिला है ये जो जैकेट है इसके लिए मैंने नॉर्मल थ्री प्लाई वूल ली है तीन प्लाई की वूल और ये जो वूल है हमारी पचहत्तर ग्राम के आसपास लगी है पचहत्तर से कम ही है ज़्यादा नहीं है और इसके लिए जो मैंने निटिंग नीडल्स यूज की हैं वो है हमारी इंडियन नो नंबर थ्री पॉइंट सेवन फाइव एम एम ये जो जैकेट है इसे हम मेजरिंग uh, टेप से मेजर नहीं करेंगे इसे हम रो काउंटिंग से बनाएंगे पूरी की पूरी जैकेट है जो ये हमारी गाटा सी श्रोज में बनेगी और इसे हमने रो काउंटिंग से बनाना है तो चलिए अब हम अपनी जैकेट बनाना शुरू करते हैं हम जो हमारी जैकेट शुरू कर रहे हैं इसे हमने बीस फंदों के साथ शुरू करना है ये मैंने बीस फंदे डाल लिए हैं और हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। पूरी जैकेट है हमारी जो गाटर सिच रोज में बुनी जाएगी तो हमारी जो ये जैकेट है हम ये मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे इसे हमने रो काउंटिंग से बनाना है तो रो काउंटिंग में हम गाटर स्टिच रोज को काउंट करेंगे एक गार्टर स्टिच रो के लिए हमें दो सिलाई बुननी होगी एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से यहां पे जब होगा कि जब हम बात करेंगे गाटा सिच रोज की अगर दो गठा सिच हैं तो उसके लिए चार सिलाई बुननी होंगी तीन गाटा सिंच हैं तो उसके लिए छह सिलाई मतलब जितने गाटा सिच होंगी उससे डबल हमें स्लाइयाँ बुननी होंगी मतलब कि अगर छह सिलाई है तो तीन सीधी तरफ से और तीन उल्टी तरफ से तब हमारे पास तीन गाटा सिच होंगी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम जो है आ, तीन गाठसर सी बुनेंगे इसके लिए जो है हम सारे फंदे बुनेंगे जो पहला फंदा है एसटिच है नॉर्मली हम नहीं बुनते लेकिन यहाँ पे हम जो है सारे फंदे बुनेंगे तो आ, जो इस बार जो हम गाठसरो बुन रहे हैं उन्हें हमने सीधा बुनते हुए बुनना है तो यहां पे मैं सारे फंदे सीधे बुनूंगी सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी अभी स्टार्टिंग में मुझे तीन गार्टर स्टिच श्रोज चाहिए जिसके लिए मैं छह सिलाई बुनूंगी ताकि मुझे तीन गार्टर स्टिच श्रोज मिले यह मेरी पहली सिलाई है पांच सिलाई मैं और बुनूंगी और जिससे कि मुझे मेरी तीन स्टिच श्रोज मिले। यह सीधी तरफ से जो पहली सिलाई मैं बुन रही हूँ इसके बाद जब हम उल्टी तरफ से बुनेंगे तब भी हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे तो यहाँ पे पहला फंदा उसको भी हमने बुनना है मतलब कि यहाँ बेस जो साइड का एच स्टिच है उसको भी हमने बुनना है सारे फंदे बुनने हैं हमने कोई भी फंदा बिना बुने नहीं उतारना तो ये है मेरी दूसरी स्लाई दो स्लाई बुनने के बाद मुझे एक एच एक गाटा स्टिच रो मिलेगी तो यहाँ पे मुझे तीन गाटा स्टिच रो चाहिए तो उसके लिए मैं टोटल छाई बुनूंगी दो स्लाई हो चुकी हैं चार स्लाई मैं और बुनूंगी ताकि मुझे यहां तीन गार्टर स्टिच रोज मिले तो अभी हमने हमारे तीन गार्टर स्टिच रोज जो है वो पूरी कर ली है अब यहां पे हम इसके दोनों तरफ एक एक बटन होल बनाएंगे तो यहां से पहले हम तीन फंदे बुनेंगे एच स्टिच के साथ ये हो गया हमारा एक फंदा ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा तीन फंदे बुनने के बाद ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन होल हो जाएगा यहाँ बाकी के सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं लास्ट के पांच फंदों तक क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी एक बटन होल बनाना है तो लास्ट के पांच फंदों तक हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे अब यहाँ पे ये दो फंदे हैं इनको इकट्ठा बुनेंगे बटन होल बनाने के लिए उनको अपनी तरफ किया और ये तीन फंदे सीधे बुने जाएंगे उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं क्योंकि गार्ट स्टिच रोज हैं तो ये जो है सीधी तरफ हो चाहे उल्टी तरफ हो हमने दोनों तरफ से सारे फंदे सीधे बुनने हैं ये होगी हमारी उल्टी तरफ से सीधी सिलाई स्टिच रो के लिए तो अब तक हम चार स्टिच श्रोज जो है वो बुन चुके हैं तीन गार्टर स्टिच रोज हमारी जो थी वो स्टार्टिंग में थी चौथी स्टिच श्रो जो थी हमारी उसमें हमने दोनों तरफ एक एक बटन होल बनाया अब यहां पे हम एक काम और करेंगे एक तो यहाँ मार्किंग करेंगे कि हमने चार जो गाटर स्टिच श्रोज बुन ली हैं और इस तरफ इसलिए भी मार्किंग करेंगे ये हमारा चेन वाला हिस्सा है ताकि हमें ये पता रहे कि हमारी जो बुनाई है उसका सीधा तरफ कौन सा है क्योंकि चाहे हम अपना सीधा तरफ देखें और चाहे हम अपना जो है उल्टा तरफ देखें दोनों तरफ का जो ये बुनाई है सेम आ रही है गाटर स्टिच श्रोज तो इसको बुनने में कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हम जो है इसको मार्किंग भी करेंगे और जो हमारी रो काउंटिंग है उसको भी हम साथ साथ मार्क करते जाएंगे ताकि हमें जो है अपनी रोज़ बार बार ना गिननी पड़े तो यहाँ तक हमारी चार गाठा सिच रोज जो है वो हो चुकी हैं अब इसके बाद हम आठ गार्ठस रोज अपनी जो है वो और बुनेंगे तो ये होगी हमारी चार गाठ सि रोज और आठ गाठस सिच रोज अभी मैं और बुनूंगी ताकि मेरे पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग से लेके आठ गाठे सिश रोज और बुन के बारह गाठे रोज़ की लेंथ जो है मेरे पास कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे अब मैं आठ गाठे सिश रोज जो है वो और बुनूंगी अभी हमने जो है आठ गाठे सिश रोज की लेंथ कंप्लीट कर ली है यहाँ से काउंट करेंगे हम अपनी लेंथ को एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ अब यहाँ पे हम फिर दोनों तरफ एक एक बटन होल बनाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पिछली बार बनाया था तीन फंदे हम बुनेंगे पहले एच स्टिच के साथ ये हो गए दो फंदे और ये तीन फंदे उनको अपनी तरफ किया ये दो फंदे फिर इकट्ठे बुनेंगे तो यहाँ पे हमारा बटन होल बन जाएगा ये बाकी के सारे फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के पांच फंदों तक जहाँ पे हमारे पास लास्ट के पांच फंदे रह जाएंगे वहाँ तक सारे फंदे सीधे बुनेंगे क्योंकि हमें जो है बटन होल है दोनों तरफ बनाना है तो ये है हमारे पास पांच फंदे ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे उनको अपनी तरफ किया और ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बटन होल बन जाएगा दोनों तरफ हमने एक एक बटन होल और बना लिया है और यहाँ हम उल्टी तरफ से मैं भूल जाती हूँ कि मैं सारे फंदे सीधे बुन रही हूँ तो उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं पूरी सिलाई हमारी सीधी बुनी जाएगी तो ये हमारी सिलाई जो है हमने उल्टी तरफ से पूरी कर ली है यहाँ तक हमारी जो टोटल डो काउंटिंग है वो है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह तेरह रोज हमने बुन ली है अब यहां पे हम ये जो हमारा मार्कर है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे ये जो हमारी लास्ट तेरहवी रो है हम अब यहाँ पे मार्कर अपना लगा देंगे अब हमने हमारे जो दोनों तरफ जो है स्टार्टिंग uh, और एंड ये तरफ और ये तरफ दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ाना है और ये फंदे हमने अगली सोलह सिच रोज में बनाना है मतलब कि हमें हमारे पास है बीस फंदे हमें बत्तीस फंदे जो है और चाहिए ताकि हमारे पास बावन फंदे हो जाए तो बीस फंदे तो आ, हमने जो है आ, वो है हमारे पास जिनके साथ हमने अपनी बुनाई शुरू की थी यहां से हम दोनों तरफ जो है हर सीधी सिलाई में ये मार्किंग हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये भी पता रहे कि रोज कितनी हम, अब तक हमें आ, हमने बुन ली है और यहाँ से आगे हमें कितनी रोज और बुननी है गार्ठस स्टिच रोज और हमारा कौन सा सीधा हिस्सा है जो फंदा हमने बढ़ाना है वो हमने सीधी तरफ ही बढ़ाना है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे पहला फंदा जो है हमारा उसे हमने सीधा बुनना है एच स्टिच है उसके बाद जो अगला फंदा है इसके साथ हम फंदा बढ़ाएंगे इसको पहले इस तरह से बुना फिर इसी फंदे को पीछे की तरफ से दोबारा बुना तो ये हो गए हमारे पास दो फंदे यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा लिया बाकी के सारे फंदे सीधे बुनेंगे लास्ट के दो फंदों तक क्योंकि हम जो फंदा बढ़ाते हैं वो एच स्टिच के साथ नहीं बढ़ाते एच स्टिच से जो पहले फंदा होता है लास्ट में जो पहले वाला फंदा होता है और स्टार्टिंग में जो एच स्टिच के साथ दूसरा फंदा होता है मतलब कि एच स्टिच के बिल्कुल साथ वाला जो फंदा होता है उसके साथ हम फंदा बढ़ाते हैं तो ये हमारे है ये है हमारा एच स्टिच और ये उससे पहले वाला फंदा है तो यहां पे हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से एक ही फंदे को दो बार बुन के लास्ट का एच स्टिच उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं उल्टी तरफ हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है सारे फंदे हमने सीधी तरफ ही बढ़ाने हैं अब हम फिर आगे अपनी सीधी तरफ बुनाई के तो यहां पे हम फिर फंदा बढ़ाएंगे एच स्टिच और ये जो फंदा है इसके साथ हमने फंदा बढ़ाना है एक फंदा नया बढ़ाना है और ये हमने सोलह बार करना है मतलब कि सोलह गार्ट स्टिच रोज जो हमने बुननी है उनमें हमने हमारा जो है दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाना है टोटल हमें बत्तीस फंदे बढ़ाने हैं एंड में भी जो हमने फंदा बढ़ाना है वो एच स्टिच के साथ ही बढ़ाना है तो ये आगे हम एच स्टिच के साथ इस फंदे के साथ हम ये फंदा बढ़ाएंगे और ये हो गया हमारा एच स्टिच तो इस तरह से हम जो है सोलह फंदे इस तरफ और सोलह फंदे ही इस तरफ बढ़ाएंगे और हमारी जो टोटल गाठस स्टिच रोज होंगी आ, वो भी होंगी हमारी सोलह गाट स्टिच रो तो अभी मैं दोनों तरफ सोलह सोलह फंदे भी बढ़ाऊंगी और अपनी सोलह गाटस स्टिच रोज की लेंथ जो है उसको पूरा करूंगी अभी हमने हमारी जो सोलह स्टिच रोज है वो कंप्लीट कर ली है और इन सोलह स्टिच रोज में हमने बत्तीस नए फंदे बनाए सोलह फंदे एक तरफ और सोलह फंदे दूसरी तरफ तो हमारे पास यहाँ पे टोटल फंदे हुए बावन हमारे पास बीस फंदे पहले थे जिनके साथ हमने अपनी जैकेट शुरू की थी बत्तीस फंदे यहाँ हमने नए बनाए तो टोटल यहाँ पे अब हमारे पास है बावन फंदे अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपनी सोलह स्टिच रोज गिनेंगे उसके बाद यहाँ पे बावन फंदे गिनेंगे तो यहाँ से ये जो मार्किंग की है मार्किंग के ऊपर हम अपनी जो है रोज़ काउंट करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और ये सोलह और इसी के साथ हम अपने यहाँ पे फंदे भी काउंट करेंगे कि क्या ये बावन फंदे हैं हमारे पास तो दो दो फंदे मैं काउंट करूंगी यहाँ से तो ये है दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस अठत्तीस चालीस बयालीस चौतालीस छियालीस अठतालीस पचास और ये बावन तो यहाँ पे हमारे पास बावन फंदे और सोलह गार्टसी श्रो जो है वो कम्प्लीट होगी है अब यहाँ हम अट्ठारह uh, नए फंदे बनाएंगे इस तरफ हम एक चीज का ध्यान रखेंगे हम जहां से अपना जो है सीधी तरफ से जो भी हमने इसके आगे जो भी हमने नए फंदे बनाने हैं और जो भी फंदे कम करने हैं जिनको हमने बीच बीच में हम फंदे नए भी बनाएंगे और फंदों को बाइंड ऑफ भी करेंगे वो सारे के सारे फंदे नए बनाने हैं चाहे बाइंड ऑफ करने हैं वो हम इसी तरफ बनाएंगे जिस तरफ हमारी जो सीधा हिस्सा है हमारा उसका स्टार्टिंग है जहां पे इसी तरफ हम नए फंदे बनाएंगे और इसी तरफ ही हमने जो है आ, फंदे बाइंड ऑफ करने हैं हमारा जो ये वाला हिस्सा है इस तरफ आ, जो है हम अभी आ, जो है कोई ना फंदा बढ़ाएंगे और ना ही कोई फंदा घटाएंगे तो यहाँ पे अब मैं नए अट्ठारह फंदे बनाऊंगी तो हम जो है अठारह फंदे बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे यहाँ पे मैं एक काम और करूंगी ये मेरा मार्कर है यहाँ पे मैं मार्कर लगाऊंगी और मार्कर के आगे हम अट्ठारह नए फंदे बनाएंगे तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे हमारे नए फंदे ये है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अच्छा। ये मार्किंग हमने इसलिए की है कि बुनने के बाद जो है एक बार हम इनको जो है काउंट कर लेंगे और इससे हमें ये रहेगा कि यहाँ पे हमारे पास अठारह अच्छा फंदे हमने बनाए हैं इसके बाद हम ये जो पहली सिलाई बुनने के बाद ये मार्कर जो है उसको निकाल देंगे तो यहां से जो है हम अभी हमारे पास टोटल फंदे जो हुए वो हुए सत्तर सेवेंटी स्टिचेस बावन फंदे हैं हमारे पास ये थे अठारह फंदे यहां पे हमने नए बनाए हैं तो टोटल हमारे पास हो गए सत्तर फंदे अब हम इन सत्तर फंदों के साथ बारह गार्ट स्विच रोज और बुनेंगे तो यहां से हम जो है अब अपना पहले ये अठारह फंदे हम बुनेंगे ये वाले सारे फंदे हम सीधे बुन रहे हैं तो इनको सीधा ही बुनना है हमने ये हो गए तीन फंदे चार पाँच और ये सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये तेरह फंदे ये हो गए चौदह पंद्रह सोलह और ये सत्रह और ये हो गए हमारे पास अट्ठारह फंदे और बाकी के फंदे हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं अब इन सत्तर फंदों के साथ हमने बारह गाठा सिश रोज और बुननी है तो यहाँ पे अब हम जो है आ, ये जो मेरा मार्कर है मैं यहां पे मार्कर लगाऊंगी ताकि जो है हम यहां से हमारी जो है अगली काउंटिंग हो ये वाली जो हमारी रो है हम यहां पे ये मार्कर लगा देंगे यहां कि इसके बाद की जो हमें बारह गाठसी जो है वो इसके बाद बुननी है तो यहाँ पे अब हम यहां अ, सत्तर फंदों के साथ अब हम जो है अपनी बारह गाठसी श्रोज की लेंथ को पूरा करेंगे अभी हमने हमारी गाटर गाठासी श्रोज की जो लेंथ थी वो कंप्लीट कर ली है यहां से हम एक बार काउंट करेंगे ये हमने मार्क लगाया था यहां तक की लेंथ हमारी कंप्लीट थी तो यहां से हम गाटर गार्टसी श्रोज काउंट करेंगे तो यहां से एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह गार्टसी रोज बुनने के बाद अब हम यहां पे अपनी जो मार्किंग है उसको यहां ले आएंगे ये जो हमारी लास्ट गार्टसी रो है अब हम अपनी मार्किंग यहां करेंगे ये मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे 25 फंदों को बाइंड ऑफ करना है तो यहां मैं 25 फंदों की भी मार्किंग करूंगी पहले तो मैं ये दो दो करके काउंट कर रही हूँ दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस और ये एक पच्चीस तो यहाँ पे मैं जो है अपनी आ, आ, जो है स्टिचेस स्टिच मार्कर लगाऊंगी इसकी मार्किंग करने के लिए तो ये होगी हमारी जो 25 फंदों की मार्किंग तो ये 25 फंदे हमने अब बाइंड ऑफ करने हैं तो अब यहाँ पे हम इन 25 फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे हमारे पास टोटल आ, 70 फंदे थे यहां तक 25 फंदे हम जो है बाइंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास बाकी के जो फंदे बचेंगे वो बचेंगे पैंतालीस तो इस तरह से हम ये जो एक एक करके इनको ज्यादा टाइट नहीं हमने बाइंड ऑफ करना इनको थोड़ा लूज बाइंड ऑफ करेंगे मतलब कि ठीक ठीक बाइंड ऑफ करेंगे ना ज्यादा लूज और ना ही ज्यादा टाइट तो यहां पे हमें ये जो 25 फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ करना है जहां तक हमने मार्किंग की है वहां तक अपने फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे तो ये हमने जो है अपने फंदे बाइंड ऑफ कर लिए हैं पच्चीस फंदे ये वाला फंदा भी बाइंड ऑफ किया अब जो ये लास्ट है इसको भी हम बाइंड ऑफ गर करेंगे तब हमारे पच्चीस फंदे पूरे होंगे तो ये हमारे पच्चीस फंदे पूरे बाइंड ऑफ करने के बाद अब हमारे पास टोटल पैंतालीस फंदे बचते हैं फोर्टी फाइव और फोर्टी फाइव स्टिचेस के साथ हम तीन गार्टा स्टिच चरज़ बुनेंगे तो ये मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है तो ये मेरे पास जो है अभी फोर्टी फाइव स्टिचेस हैं यहाँ से हम काउंट भी करते जाते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदा पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैतीस छत्तीस सैतीस अठत्तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस चौतालीस और ये पैंतालीस अब इन पैंतालीस फंदों के साथ हम तीन गार्ठस इश रोज और बुनेंगे अभी हमने तीन गाठस इश रोज की लग जो है वो कंप्लीट कर ली है तो यहाँ से हम काउंट करते हैं ये है एक दो और ये तीन अब यहाँ पर हम आ, पच्चीस फंदे नए बनाएंगे यहाँ हमने पच्चीस फंदे बाइंड ऑफ किए थे यहाँ हम पच्चीस फंदे नए बनाएंगे तो यहाँ से मैं आ, जो है ये मार्कर लगा दूंगी तो इसके बाद जो है काउंट करने में थोड़ा आसानी रहेगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये पच्चीस तो अब हम जो है आगे की बुनाई जो है पच्चीस फंदों के साथ करेंगे तो ये जो मार्कर है इसे अब मैं यहाँ लगा दूंगी और इसके बाद हमने आ, ये पच्चीस फंदे हैं और ये हैं हमारे पैंतालीस फंदे तो हमारे पास वापस सत्तर फंदे हो गए हैं तो अब हम जो है सत्तर फंदों के साथ बारह गाठासी श्रोज बुनेंगे इस मार्कर को मैं हमारी जो ये वा लास्ट वाली गाठा सी श्रो है यहाँ पे लगा दूंगी और सत्तर फंदों के साथ हम जो है अब बारह गार्टर सी रोज बुनेंगे तो यहां से हम शुरू करेंगे ये जो फंदे नए बनाए हैं ये हमने पच्चीस फंदे बनाए हैं सत्तर फंदों के साथ बारह गाटे सी रोज बुनेंगे अब हम तो अभी हमने ये जो पच्चीस फंदे हैं ये बुन लिए हैं और इसके बाद जो है अगले पैंतालीस फंदे भी जो है इसके साथ ही बुनेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास टोटल सत्तर फंदे अब ये मार्कर निकाल देंगे और बाकी के फंदे वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से उनको बुनते आ रहे हैं हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है मार्किंग के बाद हमें बारह स्टिच रोज जो है बुननी है तो अभी मैं इन सत्तर फंदों के साथ अपनी जो है बारह गार्ट्रोस की लेंथ को पूरा करूंगी तो अभी हमने हमारी जो बारह गाटसो की लेंथ है वो पूरी कर ली है तो अब हम यहां से एक बार इसको काउंट करेंगे जो हमारी आ, मार्किंग है मार्किंग से ऊपर बारह गाठा स्टिच रोज हम काउंट करेंगे तो ये मार्किंग है इसके ऊपर हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब हम अपनी मार्किंग यहां से निकाल के जो हमारी ये लास्ट वाली स्टिच रो है वहां लगा देंगे ये बारह गाठा स्टिच रोज बुनने के बाद अब हम हमारे जो इस तरफ के फंदे हैं इनमें से पांच फंदे जो है वो बंद करेंगे बाइंड ऑफ करेंगे यहाँ पे अब मैं पांच फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ करूंगी सीधा सीधा बुनते हुए हम जो है अपने पांच फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे ये हो गया एक फंदा ये हो गया हमारा दूसरा फंदा ये हो गया तीसरा फंदा ये चौथा फंदा और ये पांचवा फंदा हमारे पास टोटल फंदे थे सत्तर सत्तर में से हमने यहाँ पर पांच फंदे यहाँ ये बाइंड ऑफ कर दिए हैं अब हमारे पास बचते हैं फंदे पैंसठ फंदे अब हम पैंसठ फंदों के साथ इस गार्ठस स्टिच रो के आगे बीस लेंथ बुनेंगे हमारे जो पैसठ फंदे हैं पैसठ फंदों के साथ हमने बीस गाठसी बुननी है जिस तरह से हम पहली स्टिच श्रोज बुनते आ रहे हैं उसी तरह से अब हम यहाँ पे भी जो है पैसठ फंदों के साथ पिछली गार्टर से जो बारह गार्टर स्टिच श्रोज थी वो थी हमारी सत्तर फंदों के साथ अब इस लाइन में हमने बारह पांच फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ कर दिए हैं वो बंद कर दिए हैं तो उसके बाद हमारे पास बचते हैं पैंसठ फंदे तो अब हम पैंसठ फंदों के साथ जो है बीस स्टिच रोज की लेंथ को बुनेंगे यहाँ हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि हम जो ये जैकेट बना रहे हैं इसे हमने जो पूरी जैकेट हमारी है वो हम रो काउंटिंग से ही बना रहे हैं और दो गाट एक गाटा सी बुनने के लिए हमें दो सिलाई बुननी होती है एक सीधी तरफ से एक उल्टी तरफ से और हम सिलाइयां जो है चाहे तो दोनों तरफ से सीधी सिलाई बुने चाहे तो दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बुने Puis, मैं इस बार जो ये अपनी गाटा सी बुन रही हूं इनको सीधा बुनते हुए बुन रही हूं इसमें हम जो है एच स्टिच है हमारे दोनों तरफ के दोन सीधी तरफ से भी उल्टी थी 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 तरफ से भी उनको भी बुन रहे हैं हम मतलब कि सारे ही फंदे बुन रहे हैं तो अभी पैसठ फंदों के साथ में बीस गार्टर स्टिच रोज की लेंथ को पूरा करूंगी मार्किंग हमने कर दी है इस मार्किंग के ऊपर हमें बीस गार्टर स्टिच रोज जो है वो और बुननी है अभी हमने पैंसठ फंदों के साथ बीस गार्टर स्टिच रोज की जो लेंथ थी वो कंप्लीट कर ली है यहां पे हमने ये मार्किंग की थी इसके बाद हमें बीस गार्टर स्टिच रोज जो है वो काउंट करनी है तो यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे आ, ये मार्किंग मार्किंग के बाद से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस तो हमने पैंसठ फंदों के साथ बीस गाठा स्टिच रोज की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है अब हम हमारी जो ये मार्किंग है यहाँ से निकाल के इसको लास्ट गार्टर स्टिच रो जो है हमारी उस पर लगा देंगे तो ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है अब हम यहां जो है इसके आगे सबसे पहले पैंसठ फंदों के साथ पांच फंदे नए बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम हमने यहां पे नए फंदे बनाए थे तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी पांच फंदे नए बनाएंगे क्योंकि हमें पांच फंदे ही नहीं चाहिए एक दो तीन चार और ये पांच ये हमने पांच फंदे नए बना लिए हैं तो अब हमारे पास टोटल फंदे हो गए सत्तर यहाँ पे भी हमने हमारा जो ये हिस्सा था यहां सत्तर फंदों के साथ बारह चोज बुनी थी तो यहां पर भी अब हम सत्तर फंदों के साथ बारह सी चोज बुनेंगे ये मैंने यहां पे मार्किंग कर दी है इस मार्किंग के बाद सत्तर फंदों के साथ हमने बारह गाठस की लेंथ को बुनना है ये वो फंदे हैं हमारे पांच जो हमने अभी नए बनाए हैं तीन ये है चार और ये हो गए पांच तो और ये है बाकी के पैंसठ फंदे जो हमने हमारे पास पहले थे तो यहां पे हमारे पास सत्तर फंदे हो चुके हैं तो अब हम सत्तर फंदों के साथ जो है बारह गाठसी रोज़ बुनेंगे तो अभी ये जो है सत्तर फंदों के साथ में बारह रोज़ की लंबाई जो है उसको पूरा करूंगी तो अभी हमने सत्तर फंदों के साथ बारह गाठस रोज जो है वो कंप्लीट कर ली है यहां तक हमने मार्किंग की थी अब यहां से हम बारह गाठस रोज को काउंट करेंगे तो यहां से करते हैं काउंट एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह अब ये हमारी बारह गार्टसी श्रोत जो है ये पूरी हो चुकी है अब हम अपनी मार्किंग यहां से निकाल के यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो लास्ट गार्टसी श्रोत है वहां पे मैं अपनी मार्किंग लगा रही हूं ये हमारे पास सत्तर फंदे है अब हमें सत्तर फंदों में से पच्चीस फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ करना है तो यहाँ पे मैं फंदों की जो यहाँ पे मैं पच्चीस फंदे हैं पच्चीस फंदों की मार्किंग करूंगी तो पहले हम यहाँ पे फंदे जो है वो उनको काउंट करते हैं दो दो करके मैं फंदे काउंट करूंगी दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस और ये एक पच्चीस तो यहां पे हम अपनी जो फंदे हैं उनकी मार्किंग करेंगे पच्चीस फंदों के बाद हम ये मार्कर लगा देंगे तो यहां ये है हमारा मार्कर अब हम ये पच्चीस फंदे बाइंड ऑफ करेंगे और यहां पे इस आ, मार्किंग के बाद तीन गाटर सिच रोज बुनेंगे तो यहां पहले हम पच्चीस फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ करेंगे सारे फंदे सीधे ही बुन रहे हैं तो सीधे बुनते हुए ही हम ये फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ करेंगे पच्चीस फंदों को तो ये हमने पच्चीस फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ कर दिया है और हमारे पास बाकी बचेंगे पैंतालीस फंदे सत्तर फंदे थे हमारे पास सत्तर में से पच्चीस फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे हम इस फंदे को भी बाइंड ऑफ करेंगे तभी हमारे पास जो है पच्चीस फंदे फंदे पूरे होंगे बाइंड ऑफ के लिए और बाकी के पैंतालीस फंदे जो हैं उनके साथ हम तीन गार्टसी रोज़ बुनेंगे सत्तर में से पच्चीस फंदे निकालने के बाद बाइंड ऑफ करने के बाद हमारे पास यहां पैंतालीस फंदे बचते हैं पैंतालीस फंदों के साथ हम तीन गार्टसी श्रोज बुनेंगे अब अभी हमने 45 फंदों के साथ ये तीन गाटर सी श्रोत जो है वो बुन ली है यहाँ पे हमारी मार्किंग थी तो यहां से आगे एक दो तीन तो तीन गाटर सी श्रोत की लेंथ जो है हमने पूरी कर ली है अब हम यहाँ पे ये जो 45 फंदे हैं इनको दोबारा 70 फंदे बनाएंगे तो यहां मैं पच्चीस फंदे नए बनाऊंगी यहां पे पहले हम इसकी मार्किंग कर लेंगे ये जो है लास्ट गार्टर स्टिच रो है यहां पे हम इसकी मार्किंग करेंगे हर बार मार्किंग इसलिए करते हैं ताकि गार्टर स्टिच रो हमें बार बार ना गिननी पड़े अब ये जो है यहां पे मैं ये मार्कर लगा के स्टिच मार्कर लगा के यहाँ पे पच्चीस फंदे नए बनाऊंगी उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले भी फंदे बनाए हैं तो ये है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये पच्चीस तो यहाँ पे हमने पच्चीस फंदे नए बना लिए हैं और हमारे पास ये टोटल फंदे हो गए दोबारा सत्तर फंदे अब हम इन सत्तर फंदों के साथ बारह घाटे श्रोज जो है उसकी लेंथ बुनेंगे अगर हम यहां पे देखेंगे तो जहां से हमने स्टार्ट किया था बीस फंदों के साथ स्टार्ट किया था बीस के बाद हम ये फंदे बढ़ाते गए तो यहां हमने आ, यहां हमारे पास सत्तर फंदे थे सत्तर फंदों के साथ बारह रोज बुनी थी हमने इसी तरह से हम इस तरफ भी सत्तर फंदों के साथ बारह गाटा सिट रोज गुनेंगे तो ये जो है हम आ, हमारा फर्स्ट और बैक जो है वो कंप्लीट हो चुका है अब हम जो है आ, दूसरा आ, आगे वाला हिस्सा मतलब कि एक अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा हमने बना लिया है अब यहाँ से हमारा दूसरा अगला हिस्सा बनना शुरू हो चुका है जिस तरह से हमारा ये वाला हिस्सा बना था यहां से लेके यहां तक का अब जो है हमारा दूसरी तरफ भी ये वाला हिस्सा बनना शुरू हो गया है तो यहाँ अब हम सत्तर फंदों के साथ बारह गाठा सी श्रोज की लेंथ को पूरा करेंगे अभी हमने सत्तर फंदों के साथ बारह गाठा सी श्रोज जो है वो कंप्लीट कर ली है यहां पे हमने मार्किंग की थी तो यहां से हम जो है अपनी रोज एक बार काउंट कर लेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह अब हम यहां इस तरफ अठारह फंदे जो है उनको बाइंड ऑफ कर देंगे अठारह फंदों को बंद कर देंगे तो ये जो अठारह फंदे हैं हम यहां से शुरू करेंगे इनको बंद करना तो ये है ये हो गया एक फंदा ये हो गया दूसरा फंदा ये हो गया तीसरा फंदा ये हो गया चौथा फंदा ये हो गया पांचवा फंदा छठा फंदा सातवां फंदा आठवां फंदा नौवां फंदा ये यह हो गए दस फंदे ग्यारह बारह तेरह चौदा पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह अच्छा फंदे अब हमारे पास यहां बचेंगे बावन फंदे तो इनको अभी हम इस लाई में सारे फंदे सीधे बुन लेंगे हमारे पास टोटल सत्तर फंदे थे सत्तर में से हमने अट्ठारह फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ कर दिया है बंद कर दिया है अब हमारे पास लास्ट में बचेंगे बावन फंदे तो यहाँ पे हम ये ये पूरी सिलाई सीधी बुनेंगे इसके बाद एक सिलाई और सीधी बुनेंगे और दोबारा हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आ जाएंगे अब यहाँ पे मार्किंग की जरूरत नहीं है तो हम ये आगे की जो बुनाई है उसे हम बिना मार्किंग के करेंगे क्योंकि अब ये अब यहाँ से फंदे हमने घटाने हैं दोनों तरफ तो उस उसके लिए हमें मार्किंग की ज़रूरत नहीं है पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी तरफ से भी सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे पहला फंदा भी यहाँ पे बुनना है तो सारी सिलाई पूरी सिलाई हमारी सीधी जाएगी अभी हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ आगे हैं अब यहाँ से यहां तक जो हमने अपनी जैकेट बनाई है उसमें हमने स्टार्ट किया था यहां से बीस फंदों के साथ उसके बाद यहां हमने फंदे बढ़ाए और फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पे भी फंदे बढ़ाए यहाँ फंदे घटाए तो इस तरह से ये हमारा हो गया था अगला हिस्सा ये पिछला हिस्सा और अब ये बनेगा हमारा बाकी का अगला हिस्सा इस तरह से अब यहाँ से हम अपने फंदे जो है घटाने शुरू करेंगे और इनको तब तक घटाएंगे जब तक कि हमारे पास बीस फंदे नहीं आ जाते तो यहां से अभी हम फंदे घटाने शुरू करेंगे ये जो मेरा स्टिच मार्कर है इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लगाऊंगी ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये हमारी सीधी तरफ है बुनाई की और इस तरफ हमने दोनों तरफ फंदे घटाने हैं तो यहां से शुरू करेंगे पहला फंदा हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से इसको बुन रहे हैं एच स्टिच है ये उसके बाद उनको अपनी तरफ करके ये दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे और बाकी की पूरी सिलाई ये हम मैं सीधा बुन रही हूं तो इसको सीधा करके बुनूंगी पहला फंदा सीधा बुनने के बाद ये दोनों फंदे जो है हमने सीधे बुनने हैं इस तरह से अब लास्ट के तीन फंदों तक हमने सारे फंदे सीधे बुनने हैं लास्ट के तीन फंदों तक लास्ट के जो तीन फंदे होंगे उसमें जो है एच स्टिच को छोड़ के पहले दो फंदे हम इकट्ठे बुनेंगे दो का एक करेंगे तो ये सारे फंदे हम सीधे बुन रहे हैं तो ये पहुंच गए हम अपनी बुनाई के एंड पे ये बचते हैं हमारे पास तीन फंदे तो तीन में से दो फंदे जो हैं पहले दो फंदे ये इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से लास्ट वाला फंदा सीधा अब उल्टी तरफ से इस तरफ हम कोई फंदा नहीं ग, आ, घटाएंगे ये वाली सीधी आ, ये सिलाई जो है पूरी सीधी बुनी जाएगी इसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना फंदे हमने सिर्फ सीधी सिलाई में घटाने हैं जब हमने फंदे बढ़ाए थे तो सारे फंदे हमने सीधी तरफ बढ़ाए थे और जब हम फंदे घटाएंगे तब भी हम फंदे सीधी तरफ ही घटाएंगे अब हम फिर आगे सीधी तरफ यहां फिर हम दोनों तरफ एक एक फंदा घटाएंगे मतलब कि दो दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे पहला फंदा केला बुना इसके बाद ये दोनों फंदे जो है इनको सीधे इकट्ठे बुनेंगे दो का एक लास्ट में फिर जब तीन फंदे रह जाएंगे हमारे पास दो फंदे हमने इकट्ठे बुनने हैं अब आगे हम इसके एंड पे ये है हमारे पास तीन फंदे तीन में से ये जो हमारे दो फंदे हैं इनको हम इकट्ठा बुनेंगे और ये एच टी चकेला बोला जाएगा तो यहाँ पे हमने जो है दो दो फंदे एक हर सीधी सिलाई में दो दो फंदे घटाए हैं एक शुरुआत में और एक एंड में तो अभी मैं दो बार दो दो फंदे घटा चुकी हूँ। मैं इन फंदों को हमने जब इस तरफ ये फंदे बढ़ाए थे यहाँ बीस फंदों के बाद जब हमने फंदे बढ़ाए थे तो सोलह सोलह फंदे दोनों तरफ बढ़ाए थे और 16-16 फंदे बढ़ाए थे जिससे 32 फंदे बड़े थे 20 फंदे हमारे पास पहले थे तो टोटल हो गए थे बावन फंदे अब यहाँ पे हम 16-16 फंदे दोनों तरफ उसी तरह से घटाएंगे जिस तरह से हमने बढ़ाए हैं एक एक फंदा दोनों तरफ हर सीधी सिलाई में और हम इनको तब तक फंदे घटाएंगे जब तक कि हमारे पास बीस फंदे नहीं रह जाते तो मैं दो दो फंदे दो फंदे इस तरफ दो दो, दो फंदे इस तरफ चार फंदे घटा चुकी हूँ इसी तरह से मैं जो है बत्तीस फंदे और घटाऊंगी हर सीधी सिलाई में दो फंदे घटाते हुए एक फंदा यहाँ पे एच स्टिच के साथ शुरुआत में और एक फंदा यहाँ पे एच स्टिच के साथ एंड में तो अभी मैं जो है फंदे घटा के जो है बीस फंदों तक अपने फंदे रखूंगी जहां मुझे बीस फंदे मेरे पूरे हो जाएंगे वहीं पे मैं ये फंदे घटाने बंद कर दूंगी तो अभी मैं ये जो है कंटिन्यूसली हर सीधी सिलाई में ये फंदे घटाऊंगी अभी हमने दोनों तरफ 16-16 फंदे घटा दिए हैं बंद कर दिए हैं और हमारे पास लास्ट में 20 फंदे बचते हैं अब इन 20 फंदों को हम बंद कर देंगे और इसी के साथ हमारी जैकेट की बुनाई जो है वो खत्म हो जाएगी तो ये जो 20 फंदे हैं इनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है सीधी तरफ से करेंगे ताकि जो लास्ट वाली चेन है वो सीधी तरफ आए और इनको बाइंड ऑफ ना ज्यादा टाइट करना है और ना ही ज्यादा लूज करना है हर सीधी सिलाई में हमने दो फंदे घटाए हैं एक सीधी तरह एक बिल्कुल स्टार्टिंग में और एक बिल्कुल एंड पे मतलब कि एच स्टिच के साथ पहले एच स्टिच के साथ हमने एक फंदा घटाया है दो फंदे इकट्ठे बुने हैं इसी तरह से लास्ट एच से पहले हमने दो फंदे इकट्ठे बुने हैं अब जब हमारे पास बीस फंदे बाकी बचे तो हमने इनको बाइंड ऑफ कर दिया तो ये बीस फंदे जो है हम इनको बाइंड ऑफ कर रहे हैं और इसी के साथ हमारी जो जैकेट है उसकी बुनाई पूरी हुई ये सारे फंदे जो है हमने एक एक करके बंद कर दिए हैं सारे फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो गए हैं अब इसके बाद हम इसमें बटन लगाएंगे और इसके जो कंधे हैं उनकी सिलाई करेंगे तो ये हो गया हमारा लास्ट फंदा अब यहाँ से मैं जो है वूल है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखूँगी ताकि उस वूल के साथ हम जो है बाद में इसको अंदर टक कर सकें तो ये होगी अब इसको भी निकाल देते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें इसे भी निकाल दिया हमने और ये हमारी जो जैकेट है वो हो गई कंप्लीट यहाँ से हमने शुरू की थी 20 फंदों के साथ 20 फंदों के साथ हमने बारह गार्ट सिशरोज बनाई और चार हमने इसमें जो है ये बटन होल्स बनाए उसके बाद 16 16 फंदे दोनों तरफ बढ़ाए 16 16 फंदे बढ़ाने के बाद बावन फंदे हमारे पास हो गए यहाँ पे हमने 18 नए फंदे बनाए 12 बारह गास्ट गार्टस यहाँ बनाई यहाँ पच्चीस फंदे बाइंड ऑफ किए तीन गाटस स्टिच रोज यहाँ बनाई पच्चीस फंदे दोबारा नए बनाए यहाँ बारह गाटे स्टिच रो बनाई उसके बाद पांच फंदे बाइंड ऑफ करके यहाँ पे हमने बीस गाटा स्टिच रोज बनाई पांच फंदे नए बनाए बारह गाटस स्टिच रोज़ ये बनाई यहाँ पे पच्चीस फंदे बाइंड ऑफ किए तीन गाटस स्टिच रोज यहाँ बनाई पच्चीस फंदे नए बनाए बारह गाटा स्टिच रोज यहाँ बनाई अट्ठारह फंदे बाइंड ऑफ किए और यहां हमने हर सीधी सिलाई में एक फंदा इस तरफ एक फंदा इस तरफ इनको जो है हमने घटाया मतलब कि एच स्टिच के साथ दो दो फंदे इकट्ठे बुने लास्ट में जब हमारे पास बीस फंदे बचे तो हमने उनको बाइंड ऑफ कर दिया और हमारी जो जैकेट है उसकी शेप इस तरह से बनती है और ये हो गया हमारा ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से अब हम हमारा जो ये हिस्सा है और ये हिस्सा है ये दो हिस्से सिले जाएंगे और यहाँ पे जो है थोड़ा ध्यान से ये देखते हुए कि हमारे जो ये आ, बटन्स हैं बटन आ, ये जो बटन होल्डर ये जो आ, बटन होल्ड बटन होल से ही मैच करते हुए नीचे हम इसमें बटन लगाएंगे तो अभी जो है मैं ये ऊपर वाले दोनों हिस्सों की सिलाई करूँगी और यहाँ पे बटन लगाऊँगी हमने जो इसको कंधे से सिलना है तो हम जो बाहर की तरफ से मतलब कि इसको सिलेंगे बाहर की तरफ से मतलब सीधी तरफ से सिलेंगे इसको तो यहाँ पे हमारे पास वूल नहीं है पहले तो हम यहाँ वूल इसको इस तरह से अटैच करेंगे और इसको सीधी तरफ से सिलना है हमें जो इसकी सिलाई होगी वो सीधी तरफ से होगी एक बार एक तरफ से लेते हुए और एक बार दूसरी तरफ से लेते हुए हम इसकी जो है सिलाई करेंगे तो ये हमने कंधे का हिस्सा जो है वो सिल लिया है जिस तरह से हमने इसका एक हिस्सा सिला है उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी सिलेंगे सिर्फ कंधे का हिस्सा ही था जिससे हमने सिलना था बाकी जो है हमारा उसको सिलने की तो ज़रूरत ही नहीं है कहीं पे भी तो यहाँ ये जो है कंधे भी सिल लिए हैं हमने और अपने बटन्स भी लगा लिए हैं बटन बहुत ध्यान से लगाने होंगे बेशक आप पहले उसकी मार्किंग करके बटन लगा लीजिए ताकि बटन ऊपर नीचे ना हो होगी हमारी जैकेट कंप्लीट एक से डेढ़ साल के बच्चे को बहुत आराम से आ जाएगी ये जैकेट इस तरह से अगर आप चाहो तो बटन लगाने से पहले इस तरह से रख के आप मार्किंग भी कर सकते हो यहां पे इसको हम रखेंगे आ, ये जो हमारी जैकेट का ऊपर वाला हिस्सा है इसको रखेंगे इसको रखने के बाद यहां पे मैं आपको दिखाती हूं हमारी जो सिलाई है ये सिलाई के साथ हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहां नीचे जहां पे भी ये निशान आएगा वहां हम ये स्टिच मार्कर से मार्किंग कर देंगे तो उस तरह से आप ये बटन लगा सकते हो ये मैंने बटन लगा रखे हैं तो ये बटन जो है यहाँ पे हम इनको लगा देंगे और हमारी जो जैकेट है वो बनके तैयार है आप चाहो तो ये जो बटन्स हैं ये दो भी लगा सकते हो लेकिन चार बटन्स थोड़े से अच्छे लगते हैं तो ये हमारी जैकेट एक से डेढ़ साल के बच्चे के लिए बनके तैयार है